हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन टीचिंग क्लास का बेनिफिट हो। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट या डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस की बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं भी डीपीडी। डीपीडी से हमारा तात्पर्य कोशिका की जल मांग से होता है। तो किसी भी कोशिका की जल मांग को या जल डिमांड को हम डीपीडी कहते हैं। डीपीडी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बी.एस. मेयर ने किया था। तो डीपीडी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बी.एस. मेयर के द्वारा किया गया। रेनर ने डीपीडी के लिए चूषण दाब शब्द दिया। तो रेनर ने डीपीडी के लिए चूषण दाब या सक्सेशन प्रेशर के रूप में प्रतिपादित किया। और सक्सेशन प्रेशर को हम चूषण बल या सक्सेशन फोर्स भी कह सकते हैं। और चूषण बल शब्द जो है उसका प्रयोग सोज क्राफ्ट ने किया था। तो डीपीडी शब्द जो है वो बी.एस. मेयर के द्वारा दिया गया और डीपीडी के लिए चूषण दाब शब्द का प्रयोग जो है वो रेनर ने किया। और डीपीडी के लिए चूषण बल शब्द का प्रयोग जो है वो सोच क्राफ्ट ने किया। डीपीडी को हम किसी कोशिका की जल मांग के रूप में देख सकते हैं। शुद्ध विलायक का विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर, एक शुद्ध विलायक जैसे जल एक शुद्ध विलायक है या अशुद्ध जल एक शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर अधिकतम होता है, बहुत अधिक होता है। शुद्ध विलायक यानी जल में विलय के मिलाने के साथ साथ विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होती जाती है। तो किसी भी शुद्ध विलायक या जल का जो है डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो अधिकतम होता है, किंतु शुद्ध विलायक में विलय के मिलाने के साथ साथ डिफ्यूजन प्रेशर का मान कम होता जाता है। तो जो डीपीडी है वो विलय की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो डीपीडी समानुपाती विलय की सांद्रता। शुद्ध विलायक जैसे अशुद्ध जल या जल में विलय के मिलाने से विलायक के विसरण दाब में होने वाली कमी को ही हम डीपीडी कहते हैं। तो किसी भी
शुद्ध विलायक में विलेय के मिलाने पर विलायक के मिश्रण दाब में जो कमी होती है उस कमी को हम क्या कहते हैं भी डीपीडी कहते हैं। इस प्रकार किसी भी विलयन का डीपी यानी डिफ्यूज प्रेशर उसके शुद्ध विलायक के डिफ्यूज प्रेशर से कम होता है। तो किसी भी विलयन का विसरण दाब उसके विलायक के विसरण दाब से कम होता है। हम यहां डीपीडी को परिभाषित करें तो समान ताप दाब पर एक समान ताप दाब पर विलयन का विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं भी डीपीडी कहते हैं। तो समान ताप दाब पर या निश्चित ताप दाब पर विलयन का विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के अंतर को डीपीडी कहते हैं। तो डीपीडी बराबर शुद्ध विलायक का विसरण दाब माइनस विलयन का विसरण दाब ही क्या है भी डीपीडी है। तो डीपीडी बराबर हम यूं कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का विसरण दाब माइनस विलयन का विसरण दाब ही क्या है भी डीपीडी है। इस प्रकार किसी तंत्र की डीपीडी वह शुद्ध दाब है जिससे जल उसमें प्रवेश करता है। तो इस प्रकार अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र या सिस्टम की जो डीपीडी है वह शुद्ध दाब है जिससे जल उसमें प्रवेश करता है। तो जो डीपीडी है वो किसी भी तंत्र में जल प्रवेश को बताती है। डीपीडी किसी कोशिका की जल अवशोषण क्षमता का माप है। तो हम डीपीडी के लिए क्या कह सकते हैं भी डीपीडी किसी भी कोशिका के लिए जल अवशोषण क्षमता का माप है या कोशिका की जल अवशोषण विभव को के रूप में है या किसी कोशिका की जल अवशोषण मांग को हम डीपीडी कहते हैं। तो डीपीडी जो है वो किसी भी तंत्र में जल प्रवेश को बता रहा है और डीपीडी किसी भी कोशिका की जल अवशोषण क्षमता का माप है या किसी कोशिका की जल अवशोषण विभव को बताती है या कोशिका की जल अवशोषण मांग ही क्या है भी डीपीडी कि कोई कोशिका कितना जल मांग रही है वही क्या है भी डीपीडी है। तो जल की मांग मीन्स डीपीडी। जल की गति सदैव जो जल का परिवहन है वो सदैव कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है। तो जल की गति सदैव कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है। डीपीडी को वायुमंडलीय दाब एटीएम या फिर बार में मापा जाता है। तो डीपीडी का मापन एटीएम में या फिर बार में किया जाता है। सामान्य सेल के लिए एक नॉर्मल कोशिका के लिए डीपीडी जो है परासरण दाब व स्फीति दाब का अंतर है। तो एक सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी जो है परासरण दाब व स्फीति दाब का अंतर है और अपन क्या कह सकते हैं भी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी या डब्ल्यू पी। तो डीपीडी एक
एक सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्जिट प्रेशर जो है उसका अंतर ही क्या है भी डीपीडी। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी या वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी। किसी विलयन का डीपीडी उस विलयन के ओपी के बराबर होता है। तो किसी विलयन का जो डीपीडी है वो उस विलयन की ओपी के बराबर यानी ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि विलयन के लिए टीपी का मान क्या है भी शून्य। तो सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी क्या है भी ओपी माइनस टीपी, और एक विलयन के लिए जो डीपीडी है वो है डीपीडी बराबर ओपी। तो ये था भी डीपीडी, और डीपीडी को हम पानी की मांग या कोशिका की जल मांग या अपन कोशिका की जल अवशोषण क्षमता या कोशिका की जल अवशोषण का माप कह सकते हैं। अब अपन कोशिका की विभिन्न अवस्थाओं में डीपीडी का मान कैसे निकालें या कितना आता है वो अपन बात करेंगे। तो कोशिका की विभिन्न अवस्थाओं में डीपीडी का मान, और सबसे पहले आंशिक स्थित कोशिका या सामान्य कोशिका की डीपीडी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सामान्य कोशिका की डीपीडी क्या होगी, यहां भी अपन ने देखा। तो सामान्य कोशिका की डीपीडी या आंशिक स्थित सेल की डीपीडी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होती है। तो आंशिक स्थित सेल या सामान्य कोशिका की जो डीपीडी है वो होगी भी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, या फिर डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी। तो एक सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होती है, या फिर डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी होता है। आगे अपन बात करें पूर्ण स्पित सेल के लिए डीपीडी। एक पूर्ण स्पित या कोशिका के लिए डीपीडी का मान कितना होगा? तो जब किसी एक प्लांट कोशिका को हम एक अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं या शुद्ध जल में रखते हैं, तो जब किसी प्लांट कोशिका को एक शुद्ध जल में या अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका में अंतःप्राशन होता है और उसमें जल भर जाता है, जिससे कोशिका स्पित अवस्था में आ जाती है। और स्पित अवस्था में कोशिका जब स्पित अवस्था में आ जाती है तो टीपी बराबर ओपी हो जाता है। टीपी स्पिति दाब है या टर्जर प्रेशर है, और ओपी ऑस्मेटिक प्रेशर है। तो जब कोशिका स्पित अवस्था में आ जाती है तो स्पित दाब व ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रसरण दाब जो है वो बराबर हो जाता है। तो अपने पास डीपीडी का सूत्र है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये अब अपने को पता है कि स्पित सेल के लिए ओपी स्पित सेल के लिए टीपी बराबर ओपी है, तो ओपी माइनस टीपी क्या हो जाएगा भी शून्य, क्योंकि इन दोनों का मान क्या आ गया बराबर आ रहा है। तो ओपी माइनस टीपी क्या हो गया शून्य। तो डीपीडी का मान क्या आ गया भी शून्य, क्योंकि टीपी बराबर क्या है ओपी। तो एक पूर्ण स्थित कोशिका के लिए डीपीडी का मान जो है वो शून्य होता है या जीरो होता है। सलत कोशिका के लिए डीपीडी, अब यदि हम किसी एक प्लांट कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं
तो उसमें बहिपरासरण की क्रिया होती है जिससे कोशिका का जल बाहर निष्कासित हो जाता है और कोशिका पिचक जाती है। एस कोशिका की इस अवस्था को हम सलग अवस्था कहते हैं। तो सलग सेल के लिए टीपी या डब्ल्यूपी का मान क्या होता भी शून्य, क्योंकि सलग कोशिका के लिए न कोई स्थिति दाब पैदा हो रहा है और न ही कोई वॉल प्रेशर पैदा हो रहा है। तो सलग कोशिका के लिए टीपी व डब्ल्यू पी का जो मान है वो शून्य होता है। तो हम मान रखे डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी और सलग सेल के लिए टीपी का मान क्या है भी शून्य। तो डीपीडी ओनली किसके ऊपर निर्भर करेगी भी ओपी पर। तो सलग कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी होगा। आगे अपन बात करें जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए डीपीडी। अब देखो एक सलग कोशिका को हम एक अति पराश्रयी विलयन में रखे हुए हैं जिससे कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका के एक कोने में एकत्रित हो गया और ऐसी कोशिका को ही हम जीव द्रव्य कुंचित सेल कहते हैं। तो जब किसी एक प्लांट सेल को लंबे समय तक अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका में लगातार बहिपरासरण की क्रिया जारी रहती है जिससे कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़कर एक कोने में एकत्रित हो जाता है और ऐसी कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित सेल कहते हैं। और ऐसी कोशिका के लिए डीपीडी का मान कितना होगा? तो देखो जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए टीपी व डब्ल्यूपी का मान जो है वो ऋणात्मक है, क्योंकि भी जीव द्रव्य सिकुड़ गया है तो कोई स्थिति दाब नहीं है और कोई वॉल प्रेशर नहीं है बल्कि अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा है, इसलिए टीपी और डब्ल्यूपी क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहां डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। और अपने को पता है कि जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए टीपी या डब्ल्यूपी क्या है भी? नेगेटिव। तो हमने मान रखा डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस टीपी या डब्ल्यूपी। तो यहां डीपीडी बराबर सिंबल चेंज हो गए और ओपी प्लस टीपी या डब्ल्यूपी। तो एक जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए डीपीडी का मान जो होगा वो ओपी प्लस टीपी होगा और डीपीडी का मान जो है वो ओपी से भी अधिक हो जाता है। तो जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए डीपीडी का मान जो है वो ओपी से भी या प्रासरण दाब से भी बहुत अधिक हो जाता है। अब अपन बात करें कि सेल की डीपीडी किस प्रकार से होती है। तो कोशिका की डीपीडी जो है सबसे अधिक जो डीपीडी रहेगी भी वो होगी प्लाज्मोलाइज। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए डीपीडी का मान जो है वो सर्वाधिक होगा। उसके पश्चात एक सलग कोशिका की डीपीडी अधिक होगी, उसके बाद नॉर्मल कोशिका की के लिए डीपीडी होगी और सबसे कम जो डीपीडी होगी वो होगी भी एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए। तो सर्वाधिक जो मान है डीपीडी का वो एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए होगा और न्यूनतम जो मान डीपीडी के लिए होगा वो पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए होगा। तो जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए डीपीडी सर्वाधिक, उसके पश्चात सलग कोशिका के लिए, उसके पश्चात एक सामान्य कोशिका के लिए और सबसे न्यूनतम जो डीपीडी होगी वो होगी भी एक पूर्ण स्फीत
कोशिका के लिए। अब अपन एक एग्जांपल बात करें, एक कोशिका है सेल ए ये, और दूसरी है सेल बी, ये सेल बी है और ये सेल ए है। इसके लिए ओपी का मान 20 एटीएम है, इसके लिए टीपी का मान 10 एटीएम है। तो डीपीडी का मान अपन ने निकाला तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो मान आ गया 10 एटीएम। इस कोशिका के लिए ओपी का मान है 30 एटीएम और टीपी का मान है भी 25 एटीएम, और डीपीडी अपन निकाले ओपी माइनस टीपी तो आ गया 5 एटीएम। अब मुझे ये बताइए कि डीपीडी जो है वो कम किसकी है, बी कोशिका की, और अधिक किसकी है, ए सेल की। और पानी का बहाव सदैव किधर से होता, भी कम डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर, तो जल जो है वो बी सेल से ए सेल में आ जाएगा, क्योंकि डीपीडी क्या है, पानी की मांग, पानी की मांग यहां अधिक है। आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो सेल बी है वो 5 गिलास पानी की मांग कर रही है और सेल जो ए है वो 10 गिलास पानी की मांग कर रही है, तो पानी की ज्यादा आवश्यकता कहां है, सेल ए को। तो सेल बी से सेल ए में जल का परिवहन हो जाता है। तो ये था भी आज का पॉइंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट और डीपीडी से हमारा तात्पर्य किसी कोशिका की जल मांग से होता है। एक सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी जो है वो ओपी माइनस टीपी होता है, और डीपीडी हम शुद्ध विलायक का मिश्रण दाब और विलयन के मिश्रण दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं, भी डीपीडी कहते हैं। एक सामान्य सेल के लिए डीपीडी ओपी माइनस टीपी या ओपी माइनस डब्ल्यूपी होता है। एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी शून्य होती है, क्यों, क्योंकि टीपी बराबर ओपी होता है एक स्फीत सेल के लिए। सलत कोशिका के लिए डीपीडी जो है वो ओपी के बराबर होती है, क्योंकि सलत सेल के लिए टीपी या डब्ल्यूपी क्या होता है, भी शून्य होता है, इसलिए सलत ओपी। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी होता है, क्योंकि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए टीपी या डब्ल्यूपी जो है ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी होता है। और कोशिकाओं में सर्वाधिक जो डीपीडी है वो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की है, और न्यूनतम जो डीपीडी है वो पूर्ण स्फीत कोशिका की होती है। तो ये था आज का टॉपिक, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या डीपीडी। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।